गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि जो प्रियंका चौधरी है वो शिव ठाकरे को कह रही है कि अगर तू सच्ची बात कर देगा ना, तू अच्छी बात कर देगा ना, तो मैं जहाँ पर सभी घर वालों के सामने कहती हूँ मैं तुम्हें सल्यूट करूँगी। और बात ये होती है कि जो प्रियंका चौधरी होती है वो कहती है कि तू शिव यहाँ पर पलटना मत और गेम में जो टास्क मिला है इसमें फेयर खेलना। लेकिन जो शिव ठाकरे है वो सुंबल ठाकुर खान को बचाना चाहते होते हैं जिसके कारण वो फेयर नहीं खेलते हैं और वो जी सारी इनकी वजह शालीन पर ही डाल रहे होते हैं। तभी प्रियंका चौधरी कहती है कि शिव अगर तू ना सच बोलेगा, सच का साथ देगा और सही गेम खेलेगा ना, सच में मैं हमेशा सारी जब तक इस घर में रहूंगी ना तब तक सिर्फ तुम्हारी तारीफें ही करती रहूंगी। लेकिन जो शिव ठाकरे है वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो शालीन पर ही सारी गेम डालने के लिए वो एक बेंच पर खड़े हो जाते हैं और बहुत लाउड बोलने लग जाते हैं। लेकिन जो शालीन है वो उनको जवाब देने के लिए वो भी वैसी हरकत करते हैं, लेकिन जो शिव ठाकरे है वो बिल्कुल भी नहीं चुप करते हैं, जिस वजह से प्रियंका चौधरी भी उनके बराबर उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसके खड़ा होने पर ही शिव ठाकरे बिल्कुल नीचे उतर जाते हैं और वो अपना डिसीजन लेने लग जाते हैं। तभी प्रियंका चौधरी कहती है कि अगर शिव ठाकरे तू यहाँ पर सही डिसीजन ले देगा, फेयर डिसीजन ले लेगा ना, तो मैं सच में कहती हूँ सभी घर वालों के सामने तुम्हें सलूट करूंगी, लेकिन तू फेयर क्यों नहीं कह रहा। तभी शिव ठाकरे कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कह दो मुझे अनफेयर, लेकिन मैं तो अपने दोस्त का साथ दूंगा। आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी शिव ठाकरे को कह रही है, क्या शिव ठाकरे को भी अपनी गेम फेयर में खेलनी चाहिए या नहीं? तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।